हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सर, आप देख रहे हैं एम टेक्नोलॉजी चैनल। गाइस आज हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर अपने मोबाइल से अपने कंप्यूटर का माउस और कीबोर्ड दोनों कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप बिना कोई इंटरनेट के। आपको कोई भी नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। आपको इसके लिए एक वाईफाई अडेप्टर चाहिए जिससे आप इंटरनेट जोड़ के इंटरनेट भी चला सकते हैं और ऐसे डायरेक्ट अपने कंप्यूटर को अपने मोबाइल से जोड़कर माउस के तौर पर या कीबोर्ड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ईजी तरीका है। तो अडेप्टर का आपको एक फ़ायदा और हो जाएगा, आप इंटरनेट भी जोड़ पाएंगे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वीडियो के आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो उसको देख के भी आप कुछ सीख सकते हैं आप इसमें कि कैसे नेट जोड़ते हैं। तो नेट का तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। गाइज एक छोटा सा तरीका है जिसको मैं आपको यहाँ पे यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। आपको अपने मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है रिमोट माउस। वो पीसी के अंदर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिसका आइकन है यहाँ पे, ये देख सकते हैं, ये आइकन है रिमोट माउस का। गाइज आपको अपने गूगल क्रोम के अंदर रिमोट माउस सर्च करना पड़ेगा, ऊपर एक वेबसाइट आएगी, उसको खोलना पड़ेगा। बाद में उसके अंदर विंडोज़ का ऑप्शन आएगा, उसमें विंडोज़ पे आपको क्लिक करके विंडोज़ के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। 1 से 2 MB का एप्लीकेशन है। इसको डाउनलोड करने के बाद में अपने मोबाइल के अंदर गूगल प्ले स्टोर में रिमोट माउस सर्च करके वहाँ पर डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। उसके बाद में आपको वाईफाई अडेप्टर तो अपने पीसी के अंदर रखना ही पड़ेगा, उससे अपने मोबाइल को वाईफाई से या हॉटस्पॉट से कैसे भी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये जो मेरा एप्लीकेशन है रिमोट माउस, में इसको डबल बार क्लिक करके एक बार इसको यहाँ पे यस कर देता हूँ। ये पहले तो मैंने इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे ये बता रहा है कि रिमोट माउस पुट ए ऑलरेडी इन यूज, मतलब ये ऑलरेडी मेरा यहाँ से ओपन है और आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे ये मतलब दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि रिमोट माउस का यहाँ पे आइकन आ रहा है, ये एक्टिवेट है, भी यहाँ पे चालू है। तो आपको मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन दिखा देता हूँ अब मोबाइल में क्या करना पड़ेगा। गाइज मैंने यहाँ पे अपने पीसी के अंदर हॉटस्पॉट ओपन कर लिया है और वाईफाई के जरिए मैं अपने मोबाइल को जोड़ने वाला हूँ, क्योंकि एडेप्टर लगा हुआ है जिससे मैं वाईफाई भी इनेबल कर सकता हूँ और पीसी के अंदर हॉटस्पॉट भी इनेबल कर सकता हूँ। तो मैंने अभी हॉटस्पॉट यहाँ पे इनेबल कर रखा है। यहाँ थोड़ा इसमें दिक्कत आ रहा है, तो इसको भी मैं यहाँ पर सोल्व कर लेता हूँ। ये यहाँ पर सही हो गया है। तो गाइज यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ अपने मोबाइल के अंदर, यहाँ पर आप देख लीजिए मेरा यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट है, पीसी फास्टर यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ आ रहा है और यही मेरे पीसी के अंदर आ रहा है। यहाँ पे हॉटस्पॉट मैंने ओपन कर रखा है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये रिमोट माउस एप्लीकेशन है जो मैं यहाँ पे क्लिक करके ओपन करने वाला हूँ। इसको ओपन कर लिया मैंने। तो ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर ये शो होगा कि डेस्कटॉप HDDV, यहाँ पर मेरा जो डेस्कटॉप का नाम है यहाँ पर आ रहा है, मैंने यहाँ पर क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। इसके बाद में ऐसा आप स्क्रीन देख सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे ये स्क्रीन है, इस पर आपको स्लाइड करना है, ये आपका माउस है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ जैसे ही फिंगर यहाँ पे घुमा रहा हूँ वैसे यहाँ पे माउस घूम रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ कुछ भी, यहाँ पे अपना पीसी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे पीसी पे लेकर चला गया, यहाँ पर डबल टैप करता हूँ तो ये पीसी ओपन हो गया है। ये आपका माउस है, माउस के तौर पे यूज़ कर पाएंगे इसको। गूगल क्रोम यहाँ पे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ भी टाइप करना है तो यहाँ पे आपको लाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कीबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा नीचे की तरफ, ये यहाँ पे देख सकते हैं। कीबोर्ड का नहीं, कीबोर्ड का इधर है थोड़ा, ये रहा कीबोर्ड। तो आपको यहाँ पर जो भी टाइप करना है वो वहाँ पर ऊपर टाइप होता रहेगा, देख सकते हैं। तो गाइज इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं अपने पीसी को अपने मोबाइल से। तो ये बहुत ही अच्छा अमेजिंग तरीका है। गाइज आपको मार्केट से कोई भी वायरलेस माउस खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका जो मोबाइल है वो वायरलेस माउस और कीबोर्ड दोनों का काम करने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है आप लोगों के लिए। अगर आपका माउस या कोई कीबोर्ड ख़राब हो गया है तो मात्र 200 रुपये के आपको ये अडेप्टर मिल जाएगा। इस अडेप्टर को यूज़ करके आप अपने पीसी में इंटरनेट भी चला सकते हैं और साथ साथ अपना पीसी को ऑपरेट कर सकते हैं माउस और कीबोर्ड के तौर पर। तो गाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट कर दीजिए अच्छा सा प्यारा सा, ताकि मेरे को भी अच्छा लगे कि आपको कुछ सीखने को मिला है इससे देख के। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।